हाँ तो और गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट के अंदर आज हम विलेजर्स को थोड़ा विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने जैसा देखा ही होगा कि आपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया था, जैसा कि पीछे आप देख ही सकते हो। तो आज के अंदर हम विलेजर को उसके अंदर शिफ्ट करेंगे और थोड़ा बहुत बेड वेड लगाएंगे, तो फटाफट से काम पर लग जाते हैं भाई। हाँ तो इस छोटे मोटे काम जैसे कि अपने को पहले के बेड बनाने के लिए अपने को चाहिए, पिछली वीडियो में आपने जैसे देखा ही होगा कि अपन यहाँ पर अपने वो ले आए थे, अपनी शीप्स ले आए थे, तो शीप्स को अपन को पहले वो खिलानी पड़ेगी अपने को वीट, तो भाई फिर थोड़ी इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी ऐसी। थोड़ी गायें बढ़ गई है भाई, इनको थोड़ा मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई दिख ही नहीं रही भाई, शीप छुप गई है सारी शीप्स, तो इसलिए पहले इनको मैं थोड़ा सा मार देता हूँ, क्योंकि भाई फालतू भाई। और भाई विलेजर क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, रुको रुको इसको ट्रैप बिछाना पड़ेगा मेरे भाई, भाई लिटरली मेरे को लग रहा है कि फार्म बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देख ही सकते हो कि आप भाई ये कितनी कम हो गई है मेरे पे अपनी ब्रेड, तो उसके लिए मुझे फार्म बड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए जाल बिछाता हूँ। आ जा, दाना चुग रहा साला भाई, ऐसा लग रहा है भाई भाई कबूतर को दाना डालते हैं, वैसे मैं विलेजर को ब्रेड डाल रहा हूँ भाई। तो इसको फटाफट मेरे बोर्ड मैंने क्राफ्ट करी थी, फटाफट इसको बोर्ड में उठाते हैं, बैठ जा भाई। अरे बोट बोट आ क्यों नहीं रही है, रुको 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 रुको, आ जा आ जा यार आ जा, अरे बहुत महंगी बोट है, जल्दी आ जल्दी इधर आ, विलेजर विलेजर अभी कहाँ जा रहा है साले, भाई मेरे घर के अंदर जा रहा है साला, रुक जा रुक रुक रुक, बस अब इसको फटाफट घर तक लेके चलते हैं। तो कहीं से दिक्कत आ चुकी है लिटरली, मैं क्या बताऊँ, ये विलेजर अंदर क्यों नहीं आ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा, पानी डालता हूँ, पानी भी गायब हो जा रहा है पता नहीं क्यों। यार मैं इसको यहाँ तक ले आया हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल तक, मेरे को लग रहा है स्लैब की दिक्कत आ रही है, तो फटाफट अपने को लग रहा है स्लैब हटा के यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, तो फटाफट काम पे लगना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्यों भाई आ ही नहीं रहा है साला, तो फटाफट मैं इसको स्लैब्स को हटाता हूँ। सो गाइस मैं सब स्लैब्स हटा रहा हूँ, मैं काम करता हूँ पहले यहाँ पर ब्लॉक लगा के, तो देखूँ ब्लॉक पे आएगा कि नहीं आएगा पहले वो तो देखूँ भाई, क्योंकि अगर वो ब्लॉक लगाने के बाद भी नहीं आया तो भाई अपनी दिक्कत हो जाएगी ना, ये साला इधर आ गया था तो मैंने इसको फिर से पकड़ा था, तो फटाफट इसको वहाँ तक लेके चलते हैं भाई। हाँ तो भाई साला ये ऐसे भी नहीं आ रहा यार, कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा यार, ये आ ही नहीं रहा है साला, पता नहीं क्यों क्या हो गया साले को, पता नहीं आ ही नहीं रहा भाई। मेरे यहाँ पर भाई स्लैब हटा के वो भी लगा दिया तो भी नहीं आ रहा, रुको मेरे को यहाँ पर पूरा अच्छे से पानी डालना पड़ेगा और शुरुआत से बोर्ड लगानी पड़ेगी, तो जाके लग रहा है मेरे को अंदर आ जाएगा ये साला। एक तो साला देखो, एक तो क्लिक बोर्ड के अंदर बैठ ही नहीं पा रहा हूँ साला मैं, ये क्या चालू है, रुको पहले मैं बोर्ड लेके आऊँ और उसको फिर से कैप्चर करना पड़ेगा। वो इधर इधर विलेजर इधर जल्दी इधर, अबे ऊपर कहाँ जा रहा है साले, ऊपर लाने में मुसीबत पड़ जाएगी मुझे, देखो नीचे लाने में, फटाफट इधर भाई, क्या इंसान है भाई, मुझे बोर्ड पर बिठा के चला गया, तो मुझे तो आता है बोर्ड पर उतरना, उसको नहीं आता है, तो फटाफट फिर से बोर्ड पर लेके वो नीचे चलते हैं और इसको बोर्ड में बिठाते हैं। आ जा बैठ जा फटाफट, अब मेरे हिसाब से अब ये जिंदा चले जाएगा, अब सही है, चलो अब बढ़िया काम हो गया, बस अब इसको ले जाएंगे अपन अंदर और ये रखेंगे इधर। चल विलेजर मैं और भी लोगों को कैप्चर करना, तो मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ। हाँ तो वैसे इधर मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ, तो हो गया है। अरे वाह यार, दूसरा बकरा पहले ही सामने आया, रुको रुको मेरे को पहले फटाफट क्या करना पड़ेगा, बोर्ड क्राफ्ट करने के दूसरे बकरे के लिए भी ये बोर्ड बनाते हैं अपन फटाफट, ये बोर्ड। वह रुक जा विलेजर, रुक जा रुक जा रुक जा, नीचे 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 नीचे, अब भाई आ जा यार, भाई आ जा यार, ऐसा मत कर भाई, इधर 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 मेरी बोर्ड में बैठ, जल्दी बैठ, आ जाते वो घुमाने लेके जाऊँगा, आ जा भाई बैठ जा यार, भाई इतनी क्या शर्म है, कहाँ चला गया, अरे उतरना ही नहीं आ रहा है मुझे, तो भाई पता नहीं क्यों, पता नहीं कहाँ चला गया साला, अंदर गया क्या, आ गया, अबे आवाज़ आ रही है साले की, गया कहीं, अबे क्या माइनिंग एरिया में तो नहीं चला गया, अबे गया कहाँ विलेजर भाई, विलेजर कहाँ चला गया भाई ये, अबे भाई अबे लुप्त वुप्त तो नहीं हो गया, रुको भाई देखना पड़ेगा भाई कहाँ गया ये, अबे अबे दोनों साथ में बैठे भाई एक दिए तो दो दो निशाने भाई, अबे भाई मैं उसको काली गली ढूंढ रहा हूँ भाई, साला ये अंदर आके बैठ गया है, क्या भाई क्या विलेजर है भाई, क्या विलेजर बनने जा रही है अंदर ही आके बैठ गया लिटरली बंदा। तो फटाफट अब तीसरे शिकार को भी पकड़ने चलते हैं, पर तीसरे की मेरे को लग रहा है मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को दो ही चाहिए थे अब बेड बनाने अपने को, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ कि बेड बनाने के लिए थोड़े बहुत रेसिपीज मतलब जो चाहिए अपने को वो कलेक्ट करके आता हूँ। हाँ तो यार मेरा पानी खत्म हो गया, तो फटाफट मैं पानी लेता हूँ, और वहाँ पर मैंने एक और विलेजर को कैप्चर कर लिया गलती से भाई, बोर्ड लेके घूम रहा था भाई, मैंने उसको बोर्ड पर पकड़ लिया, अब इसको भी लेके चलते हैं ट्रेडिंग हॉल में, क्यों इतनी फालतू करे अपन, तो अब पकड़ लिया है तो ले चलते हैं चलो इसको भी, क्योंकि तीन लोग हो जाएंगे फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ फट पानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पानी के अंदर मेरी बोट क्यों नहीं चल रही है भाई, क्या ले चे जावा हम भाई, देखना पड़ेगा, अरे देखो बोट पानी के अंदर डूब के चल रही है लिटरली, पानी के अंदर बोट पूरी डूब चुकी है मेरी भाई, और विलेजर ऐसे बैठा था पूछो ही मत, विलेजर भाई आजा आजा अपन घूमने चलेंगे, अबे विलेजर बह गया भाई, विलेजर बह गया भाई,
क्या बोलूँ भाई, भे गया विलेजर। अबे भाई कहाँ जा रहा है, रुक 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 भाई, वो भग रहा है साला, हट वो बोल लूँ, वो भग गया साला केव साइड। कहाँ भगा रहा भाई, चल आ गया सही जगह ही आया है तू, मैं बताऊँ ना तेरे को। अब तेरे को मैं भाई पानी डाल डाल के ले जाऊँगा नीचे, रुक तो सही तू चाले। बस बहुत आड़ भाई, अब तेरे को आराम से चलेगा नीचे, अब सही है गाइस, ये थोड़ा आराम से अब चल चलेगा ये। अबे ये सही था ना, ऐसे ऐसे क्यों नहीं बोट चल रही मेरी, कब से पता नहीं क्यों। अब यहाँ से बस नीचे गिर जाए बोट। अबे यार भाई मेरे को लग रहा है सीढ़ियाँ तोड़नी पड़ेगी, तो फटाफट सीढ़ियाँ तोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि इतनी मगजबारी करूँ। एक बार ट्राई कर लेता हूँ फिर भी, कि मेरे को पता है सीढ़ी तोड़ के ही जाएगा साला वो, मैं सच सीढ़ी तोड़ देता हूँ फटाफट। हाँ तो भाई सीढ़ियाँ तोड़नी पड़ेगी। अरे भाई जाना तू 2 सेकंड, मेरे को सीढ़ियाँ तोड़नी ही पड़ गई यार याली, क्योंकि साला विलेजर नीचे आ ही नहीं रहा था। तो फटाफट क्या करता हूँ मैं, इसको सीढ़ियों से नीचे ले जाऊँगा। सीढ़ियाँ तोड़ने के बाद अब मेरे को सीढ़ियाँ उसको बाद में जोड़नी ही पड़ेगी, तो फटाफट इसको ट्रेडिंग हॉल के अंदर लेके चलते, रुको पानी कलेक्ट कर लूँ मेरा मैं। हाँ तो भाई मेरे अभी दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब आइडिया आ गया, मतलब भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं नॉर्मल डोल लगाऊंगा तो इससे साले भग जाएंगे भाई ये छोड़ के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयरन डोल बनाने ही पड़ेंगे भाई, आयरन डोर के बिना काम नहीं चलेगा अपना। तो मेरे को फटाफट आयरन डोर बना के उसके अंदर रख देता हूँ मैं, और एक लीवर बनाऊँ, क्या बनाऊँ, लीवर बनाऊँ कि अरे अपने बटन बनाऊँ, मेरे को सोचना पड़ेगा। अभी तो लीवर बना के चलते हैं, बाद में देखेंगे बटन बनाए लीवर बनाए। तो फटाफट से मैं इधर पहले आयरन डोर तो लगाऊँ भाई, बटन बना देता हूँ दो, और दो बटन दो लीवर ऐसे करके देख लेंगे। अब इसको फटाफट अंदर लेके चलते हैं विलेजर को। हाँ तो भाई बस इसको अब अंदर लेके जाना है साले को, अरे बहुत परेशानी दे रहा है ये साला विलेजर। साले तू देखो मारूँ पकड़ के मैं, साले इतना मारूँगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, इतनी परेशानी दी। जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा, ब्रेड ब्रेड देख मेरे हाथ में ब्रेड, बड़ी मुश्किल से अंदर गया भाई, अभी जान में जा नहीं है। फटाफट से इसको बंद कर देता हूँ भाई, सांस फूल गई भाई, इतना परेशान कर दिया इन्होंने। चलो ठीक है फटाफट से अपन, मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे करके इधर आयरन डोर्स लगा देता हूँ और इधर लीवर लगा देता हूँ, तो जिससे दरवाज़ा अपना बन चलू ईजिली हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसको लीवर को हटा के इधर बटन लगा देता हूँ, तो फटाफट लीवर को हटाते हैं अपन और ये लगाते हैं बटन, क्योंकि लीवर दिक्कत देगा मेरे को पता है, और बटन दिक्कत नहीं देगा। चलो ठीक है, और बटन क्राफ्ट कर लेता हूँ, दो और बटन चाहिए अपने को, दो और बटन अपन को और लगाने पड़ेंगे, तो लगा देंगे बाद में। लीवर फेंक देते हैं और उधर बटन लगा देते हैं, तो अपना काम इजीली हो जाएगा। अब एक इस तरफ बटन लगाने हैं, एक तो इधर लगा हुआ है, अब एक इस तरफ भी लगा देते हैं और एक अंदर भी लगाना है। चलो ठीक है ये, चलो देख रहे हो साला चोर एक नंबर का, दरवाज़ा खुला और देख रहे हो भाई, दरवाज़ा खुलता है और इसको भी ले आना है, इतना बड़ा बेकार आदमी है। इधर एक बेड लगा देता हूँ, और फटाफट इनके बेड के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। सो जा भाई, भाई सो जा भाई, भाई कथक नहीं करना, सो मारूंगा नहीं तो। सो रहा है कि नहीं भाई, पढ़ रहे हैं फटकी फटके भाई, इनको रेट हाई कर देंगे साले, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट अभी मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से मतलब सो के निकलता हूँ भाई, रात हो गई, फटाफट सोने जाता हूँ मैं मेरे घर में। हाँ तो भाई सुबह हो चुकी है, फटाफट मैं अपने विलेजर्स को देखता हूँ क्या चल रहा है इनका। एक उस कोने में दो बातचीत कर रहे हैं अपनी, तो ब्रेड मेरे पास अभी है ही नहीं यार, शिट 2 सेकंड रुको। हाँ तो भाई साथ ही ब्रेड साथों के साथों इनको खिला देते हैं और मामला पानी ख़त्म करते हैं। ये लोग ब्रेड खाएंगे तो अपना काम करेंगे इजीली, अपने को एमरेड वेमरेड देंगे, और भाई थोड़ा बहुत अपने और भी चीज़ें इनसे कर सकते हैं, और थोड़ी लेवल वेवल एक्सपीरियंस सब देते हैं ये लोग। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है पहले बेड लगाने पड़ेंगे, तो ही भाई काम होगा नहीं तो नहीं होगा। तो फटाफट से मैं बेड क्राफ्ट ब्रेड में इनके इनके घरों से चोरी करके आता हूँ। हाँ तो भाई मैं इनके घर से बेड चोरी करके आ चुका हूँ और बेड लगा भी चुका हूँ फटाफट। ये 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, और 6 उधर लगा हुआ है, एक ये 5 और ये छठा भी इधर ही लगा देते हैं और बात ख़त्म करते हैं। क्योंकि एक तरफ मैं सब तरफ बेड लगाऊंगा और दूसरी तरफ मैं लगाऊंगा करेंट सारी इनकी चीज़ें, जैसे टेबल होती है इनकी, जो भी वर्क स्टेशन। तो फटाफट मैं फटाफट पहले क्या करता हूँ कि अपनी फार्मिंग करता हूँ। हाँ तो भाई फार्मिंग हो चुकी है, अब सारी जितनी भी अपनी भाई सीड्स इतनी सारी हो जाती है भाई, मेरे सारी सीड्स बोने के बाद भी देख रहे हो कितनी सीड हो जाती है, कम से कम 2 स्टैक एक्स्ट्रा ही मिलती है अपने को। तो फटाफट पहले ब्रेड बनाते हैं, करंट करंट मेरे पास 2 स्टैक मतलब ऑलमोस्ट 2 स्टैक ही हैं, और मतलब 35-36 ब्रेड बन जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनेगी, इतनी भी इनफ है भाई अभी के लिए। तो 35 बन चुकी है, फटाफट मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना जो एक भी 64 वाली घर की जो हमने पड़ी है यहाँ पर घर वाली,
इसको भी मैं मतलब मैंने संभाल के रखी थी बहुत टाइम से, इसको भी यूज़ कर लेता हूँ और करंट करंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ मतलब वन स्टेक ही कह दो कि तुम 56 वन स्टेक ही कह दो ब्रेड लेके। अब थोड़ी सी ब्रीडिंग करवाता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ तो वैसे थोड़ी बहुत ब्रेड खिलाई मैंने उनको फटाफट से। मैं क्या करता हूँ कि शियर बना के आता हूँ फटाफट, पहले आयरन पड़ी है मेरी चेस्ट के अंदर, आयरन लेता हूँ और शियर बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ पर बकरियाँ भी हैं तो उनसे भी थोड़ी बहुत वुल ले लेंगे, दो बेड करीबन उनसे ही बन जाएंगे। और थोड़ी बहुत मैं उनको ब्रेड खिला के ही आया हूँ अभी अभी। तो करंट करंट 56 थी तो आप देख रहे हो 43 हो गई, थोड़ी बहुत मैंने डाल दी उधर ब्रेडें, तो और बेड लगेंगे। तो बेड फटाफट मैं यहाँ से क्राफ्ट करता हूँ। तो ये रही अपनी शीप और इनको करता हूँ शियर्स, दो दिए इसने, इसने 5 दिए और एक और का है इसने दिए अपने को, एक ही दिए भाई। चलो ठीक है 6 इनफ है अपने, दो बेड बन जाएंगे, दो बेड भी कम नहीं होते भाई। ठीक है चलो फटाफट से मैं क्या करता हूँ ये 3 लगा देता हूँ और ये 3, ये दो बेड बन गए अपने, पहले एक और ये दूसरा। तो फटाफट से क्या करता हूँ इनको अंदर लगा देता हूँ, ये एक और ये दो, इतने बेड अभी के लिए तो इनफ है, बाकी बाकी देखेंगे। और इनके वर्क स्टेशन भी बनाने हैं तो फटाफट मैं वर्क स्टेशन बनाता हूँ इनके। हाँ तो भाई मैं सोच रहा हूँ इनको ब्रेड खिला के चलता हूँ फटाफट, बाद में बात की बात देखी जाएगी। इनको थोड़ी बहुत ब्रेड खिला के अपन क्या करते हैं वर्क स्टेशन बनाने चलते हैं इनके। 36 को ही चलो 36 भी मैंने इनके लिए रख दिए और फटाफट वर्क स्टैंड बना दो। उसको देख रहे हो महाराजे को भाई, देखो भाई उसको कहाँ खड़ा, साला तीर होता ना भाई तीर मारता उसको यहीं से। थोड़े बहुत वर्क स्टेशन बनाता हूँ इनके फटाफट से मैं। हाँ तो रही इसी में रात के समय चोरी चुभे आ चुका हूँ विलेजर्स के घर में, यहाँ 4 विलेजर हो गए हैं, 3 तो मैं पहले ही लाया था और एक और हो गया छोटा सा है वो बच्चा है। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ जब सारे सारे वर्क स्टेशन रात छुपे छुपे लगा देता हूँ ताकि सुबह सुबह तक विलेजर को कुछ पता ना पड़े। और वर्क स्टेशन लगाने के बाद थोड़ी बहुत इनसे ट्रेडिंग भी कर लेंगे अपन, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, मैं वुड मेरे पर पड़ी है घर पर तो वुड से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग देख लेंगे क्या क्या होगा देख लेंगे, अगर कुछ ना कुछ बेचने की ट्राई करेंगे। और मैंने आपको बताना भूल गया कि वीडियो की शुरुआत में भाई मैंने बहुत कोल माइन करा था और कोल मैंने जितना भी सब उसके अंदर रख रखा है, तभी मेरी एक्सपी इतनी बाइस हो चुकी है क्योंकि भाई देखो मेरी पिकेक्स की हालत। मैं वो शुरुआत में बताना भूल गया क्योंकि काम आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा था तो अपन ने सारा ही काम निपटा दिया है। तो मैं शुरुआत मेरी पिकेक्स की हालत देखो मैंने बहुत माइनिंग करी है और कोल मिला है मुझे बहुत सारा, मैंने जितना कोल मिला सारा माइन करा एक्सपी की वजह से क्योंकि मुझे एक्सपी चाहिए था मेन, मेरे को भाई डायमंड में से भी कोई मतलब नहीं था, मेरे को मेन कोल माइन करना था क्योंकि कोल से मिलती है एक्सपी, इसलिए मैंने कोल की माइनिंग जारी रखी थी। तो मेरी चेस्ट के अंदर आप देखना 3 से 4 स्टेक कोल पड़ा था, फटाफट मैं क्या करता हूँ कोल रख रखा है उसके अंदर अभी। तो बाद में मैंने सोच रखा था कि इतना फ्यूल कम से कम होना चाहिए अपने पास, जैसे कि एंटरमेंट रुको 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 एंटरमेंट इसकी बारे में जानिए भाई, इसने भाई पिछली वीडियो में मुझे मारा था, पिछली नहीं कुछ पहले पार्ट के अंदर इसने मुझे मारा था तो बदला लेना है उससे मुझे। रुको रुको 2 सेकंड रुको। हाँ भाई क्या क्या दिक्कत है बोल, अब बोल साले अब बोल, जानता है कौन हूँ मैं भाई डायमंड आर्मर है भाई हल्के मत लेना भाई, तेरी एसी आना भाई, भाई ये उड़ता है भाई दिमाग ख़राब होता है, तू इधर आ साले भाई, देखो क्रिटिकल मार, तू गुस्सा आ रही है भाई हिंडरमैन के ऊपर, साला ग्रास ब्लॉक नहीं देना है साले को डर्ट ब्लॉक देना है। तो फटाफट से मैं क्या काम करता हूँ विलेजर से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता हूँ। तो हाँ तो भाई ये विलेजर फाइल ने मुझे कोल के बदले ट्रेड दे रहा है भाई, मैंने पहले ही बोला था भाई मेरे को कोल मेरे पास बहुत पड़ा है और ये साला कोल के बदले ट्रेड दे रहा है भाई साला भाई। देखो मेरे पास मैंने ज़्यादा कोल लिए, मेरे पास 3 ही स्टेक कोल था भाई, 3 ही स्टेक माइनिंग करके क्योंकि भाई इतनी माइनिंग कर ही नहीं थी मैंने लिटरली। मैं रोज़ माइन हर पार्ट के पहले माइनिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, जैसे आधा एक घंटा माइनिंग करता हूँ ताकि थोड़ी बहुत माइनिंग से क्या होगा कि थोड़ा बहुत अपन थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे पे जितना कोल था मैंने सारा ही माइन कर लिया, करीब करीब 11 एमरल्ड हो गए अपने पास भाई, इससे मैं और माइन करूँगा अभी भाई, रुको मैं थोड़ा और कोल माइन करूँगा और इससे और मैं थोड़ी ट्रेडिंग करूँगा, थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने कि इससे माइनिंग करूँगा, थोड़ा कोल और माइन करके आऊँगा और इससे थोड़ी और ट्रेडिंग करूँगा मैं अभी, क्योंकि भाई ये विलेजर बहुत काम का है। और लाइब्रेरियन भी अभी मेरे को लॉयल्टी मतलब बहुत रहता लूटिंग, और एक मेंडिंग वाला भी है शायद मेरे पे, इधर मेंडिंग वाला भी पड़ा है शायद, मेरे उसकी गलती से लेक्टर ना तोड़ दिया हो मेरे को डर लग रहा है, पर हाँ इधर एक मेंडिंग वाला भी मिल चुका है मुझे भाई। नहीं गलती हुई शायद मेरे मेंडिंग वाला गया भाई, गड़बड़ हो गई यार, मेंडिंग वाला इधर दिख ही नहीं रहा मुझे, यही वाला है भाई मेंडिंग वाला भाई, यहाँ पर मेरे से गलती से चला गया भाई वो,
मैंने लग रहा है गलती से इसका वो तोड़ दिया बेंडिंग वाले का, तो वो सब तो चलो फिर से मिल जाएगा अपने को। पर अभी क्या है मेन, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में, तब तक के बाय बाय एंड पीस आउट, बाय बाय टाटा।